रविवार को सारनपुर के शेखपुरा इलाके में हुए बवाल के बाद इलाके में तो शांति है, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले के जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा 13 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम मौजूद हैं इस वक्त उसी पुलिस चौकी पर जहां पर रविवार को एक बड़ी भीड़ ने इसी पुलिस चौकी पर हमला करने की कोशिश की, पत्थर यहां पर बरसाए। इसके अलावा जो लोग ड्यूटी पर यहां पर पुलिसकर्मी थे उन पर भी कहीं ना कहीं जो है पत्थर उनके द्वारा फेंके गए थे। पुलिसकर्मियों ने भी कहीं ना कहीं छुपकर अपनी जान जो है वो बचाई थी, क्योंकि उस समय फोर्स यहाँ पर काफ़ी कम था। बाद में जब फोर्स आया उसके बाद लाठियां फटकार कर उन लोगों को यहां से खदेड़ा गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और क्या कुछ घटनाक्रम रहा था। सहारनपुर के शेखपुरा में यति नरसिंहानंद को लेकर कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन देने की जो है वो बात सामने आई थी। उन्होंने ज्ञापन देने के लिए कहा था, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन परमिशन सिर्फ 100 से 150 लोगों के को परमिशन मिली थी कि वो गांव में ही अपना ज्ञापन जो है पुलिस को सौंप देंगे। जिसके बाद जब ज्ञापन लेने पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस के साथ उन्होंने बातचीत की और पुलिस को ज्ञापन वहां पर सौंप भी दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही कुछ लोग ऐसे उस भीड़ के अंदर आ गए जिन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की और करीब 1 किलोमीटर का सफ़र तय करते करते वो भीड़ इसी पुलिस चौकी तक यहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि यहाँ से शेखपुरा गांव का जो रास्ता है वो करीब 1 किलोमीटर दूर का है और इसी रास्ते पर वो भीड़ यहाँ पर पहुँचती है और पहुँच कर यहाँ पर हंगामा कर देती है और इस पूरे हाईवे को जाम कर देती है। ये देवबंद जाने वाला रास्ता है, देवबंद मुजफ्फरनगर कनेक्टिविटी यहीं से है। कई घंटों तक इस रास्ते पर वो लोग हंगामा करते रहे। पुलिस ने देखा कि जो यात्री हैं उनके साथ यहाँ पर जब अभद्रता हो रही थी, उसमें कुछ बच्चे भी थे, वो रोने चिल्लाने लगे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कहीं ना कहीं उन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग लगातार आक्रामक हुए जा रहे थे। उस भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, पुलिस के साथ यहाँ पर बदतमीजी की और इस चौकी पर भी हमला करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर बैकअप जब आता है पुलिस का, उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया जाता है और जो हंगामा कर रहे जो करने वाले जो लोग थे उनको लाठियाँ फटकार कर यहाँ से खदेड़ा जाता है। मामला तो शांत हो चुका है, लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस भीड़ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखी जाए तो नाबालिग बच्चों की और युवाओं की थी। बच्चों को सामने करके और नाबालिग युवाओं को सामने करके यहाँ पर पत्थर जो है वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर बरसाए गए, उनको कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा था। लगातार नरसिंहानंद के बयान को लेकर उसको उकसाया जा रहा था, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं वो लोग आक्रामक हुए हैं। इस मामले में शेखपुरा गाँव के ही एक नेता और दूसरे एक किसान संगठन से जुड़े नेता का भी नाम यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है कि उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं भीड़ को भड़काया गया था और उसके बाद ही जो नाबालिग बच्चे थे उनको आगे करके यहाँ पर पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो देखा जाए तो जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक प्लानिंग के तहत जब पत्थरबाजी होती थी तो नाबालिग युवकों को आगे कर दिया जाता था, वो पत्थर बरसाते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक बड़ी साजिश जो है यहाँ पर हुई है और कहीं ना कहीं बच्चों को आगे झोंका गया और उनको कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया जो है यहाँ पर गया था। तो अब इलाके में फ़िलहाल शांति बहाल है, पुलिस लगातार जो अधिकारी है वो भी इलाके में लगातार मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा शांति समिति की बैठक यहाँ पर चल भी रही है, लेकिन पुलिस इस मामले में नरमी बिल्कुल भी बरतना नहीं चाहती है। जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 13 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके अलावा जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी CCTV कैमरों से और साथ ही साथ जो वीडियो फुटेज जो सामने आ रही है पत्थरबाजी की, उनसे उनकी पहचान जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखा जाए तो एक बड़ा बवाल सहारनपुर में रविवार को देखने को मिला था, जिसकी गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ी थी, लेकिन हालात पुलिस ने समय रहते कंट्रोल कर लिए। लेकिन बड़े सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन युवकों को उनको उकसाने वाला कौन था, और जब ज्ञापन गांव के अंदर ही दे दिया गया तो आखिर क्या ज़रूरत थी कि आप
एक किलोमीटर चलकर सड़क पर यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पहले से ही प्लानिंग थी कि हंगामा किया जाए, माहौल ख़राब करने की कोशिश यहाँ पर की जाए और सहारनपुर में तनाव पैदा किया जाए। तो उस हंगामे उस तनाव को तो पुलिस ने तो फिलहाल विफल कर दिया है, लेकिन अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो इसके मुख्य दोषी हैं। तो अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।